आखिरी जब पहुंचने वाली बात आती है तो कहां वो भक्ति आ जाती है। वहां फिर राग द्वेष रहित, हेतु रहित दयालु, ये भक्त का लक्षण है, राग द्वेष रहित। अब इन 11 में से जो 11 इन्होंने बताए, इस 11 में से अपने आप पर गौर करो कौन कौन सा है हमारे में। सबसे पहला गुण बताया, द्वेष भाव रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। ठीक है, भूतों में द्वेष भाव रहित एक, दो स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, तीन हेतु रहित दयालु, चार ममता से रहित, पांच अहंकार से रहित, छह सुख दुखों की प्राप्ति में सम सात क्षमावान, आठ और योगी संतुष्ट, नौ इंद्रियों सहित शरीर को वश में किया हुआ, दस मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, ग्यारह ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। 11 गुण बताए इसमें, भक्त होने के 11 गुण है। गीता के शुरू के अध्याय, ज्ञान योग के अध्याय, ज्ञान की चर्चा की है उसमें। अगले अध्याय कर्म योग की चर्चा की है कि कर्म योगी कैसे बनना चाहिए। पर इन सबसे श्रेष्ठ अगर कोई चर्चा हुई आखिरी 12 से लेकर 18वें अध्याय तक, केवल भक्ति योग की चर्चा है। तो ज्ञान योगी श्रेष्ठ है, कर्म योगी भी श्रेष्ठ है। ज्ञान योग में जो केवल गुफा में बैठे स्वयं को ब्रह्म समझते हैं, सारे संसार को एकत्व की भावना से देखते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं बुरपी। पर जो कर्म योगी ज्ञानी है वो जगत का मंगल करने वाले, वो भी कर्म कर रहे हैं ना, उनका कर्म योग है, निष्काम कर्म है, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को सही रास्ते पर लगाना, ये उनका कर्म योग है। तो कर्म योगी उससे श्रेष्ठ है कि ज्ञान को कर्म में उतार रहा है, कर्म से दे रहा है ना जगत को, उससे वो श्रेष्ठ है। पर आखिरी जब पहुंचने वाली बात आती है तो कहां वो भक्ति आ जाती है, वहां फिर राग द्वेष रहित, हेतु रहित दयालु, ये भक्त का लक्षण है। इसे ज्ञानी कह दो, भक्त ज्ञानी भक्त कह दो, प्रेमी भक्त कह दो, पर भक्त का लक्षण है राग द्वेष रहित। अब इन 11 में से जो 11 इन्होंने बताए, इस 11 में से अपने आप पर गौर करो कौन कौन सा है हमारे में, पढ़ो और गौर करो आप में कौन कौन सी चीज है इसमें से। किताब पढ़ के हम रख देते हैं, स्वाध्याय बिल्कुल नहीं है, उससे अपने जीवन को अपने गुणों को कोरिलेट करना या अपने आप को एग्जामिन करना, अपने आप का निरीक्षण करना, खुद ही खुद को मार्क्स देना कि हम इसमें सही हैं क्या नहीं, इसमें हैं क्या नहीं, ऐसी वृत्ति का अभ्यास होना, ये साधक का सबसे सुंदर लक्षण है। ऐसा व्यक्ति पतन की खाई में नहीं गिरता जो हर बात में अपने आप को रिलेट करता है उसके साथ, या वो देखता है कि क्या ये मेरे में है। जैसे ही हमने पढ़ा ये वाला, मैंने फटक फटक में कहा, हाँ ये तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तुरंत वो आपको आना चाहिए। अगर तो आप साधक हैं कि आपको तो शास्त्र जो कहते हैं या सत्संग जो सत्संग में जो सुनते हैं उसे तुरंत अपने पर लागू करके देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ थी हम में या है, नहीं है तो लानी चाहिए।